1994 में रिजविडा रिफॉर्म की इब्तदा हुई, जिसमें एक गाय से हम 14 लीटर दूध लेकर चले। बात यह है कि ये क्या लोग, मेरे इन लोगों को जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैं चला हुआ हूँ। मेरा ईमान था कि जिस बिजनेस की तरफ भी मैं जाऊँगा, मुझे उनकी दुआओं से बहुत कुछ हासिल होगा। 1994 में रिजवी डेयरी फार्म की इब्तदा हुई, जिसमें एक गाय से हम 14 लीटर दूध लेकर चले, और 2004 तक हम इसकी तरक्की के लिए हर वो कमज़ोर रास्ता बंद करते रहे, बस एक फार्मर को नुकसान होता था। 2004 में नस्ले जब लैया में आई और उन्होंने हमसे दूध कहा, तो हमने उन्हें 14 लीटर दूध देकर आज 2022 तक हम इसी कंपनी को मतवातर दूध दे रहे हैं। कंपनी का किरदार हमारे साथ एक तरक्की की तरफ ले जाना था, क्वालिटी का बताना था, जानवर्स के बारे में जो जो कोताही एक फार्मर करता था हम उसे दूर करते रहे। और एक वक्त वो आया जो हमारा पुराना शेड है वो नेस्ले की नज़र में एक जदीद तरीन फॉर्म कहलाया। जहाँ तक दूध का ताल्लुक है, दूध गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, यहाँ मैं ज़रा आपको एक बात सुना दूँ कि तिब की किताबें जनाब इमाम जाफर सादिक ने लिखी, इमाम रजा ने लिखी, आपसे पूछा गया कि दूध सबसे बेहतर किसका है, तो फरमाया कि दूध वो बेहतर है कि जिसकी मुद्दत हमल इंसान की मुद्दत हमल के बराबर हो, और वो फकत गाय है। हम जिस जानवर से 7 लीटर एक टाइम में दूध देते थे, हमने तरक्की का दामन पकड़ते हुए आज हम 62 लीटर एक दिन में दूध देते हैं। मैं बहुत बहुत खुशामदीद, मैं आपके लैया में हाजिर हुआ हूँ और अपनी कोशिश शुरू की है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं, और मेरे तमाम जितने भी बाकी महकमा ज्यादा हैं, जिसमें लाइफ स्टाइल भी है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, डेवलपमेंट वाले भी हैं, तकरीबन 25-30 महकमा ज्यादा हैं जो आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे बने हुए हैं। ज़िले लेवल पे भी हैं, तहसील लेवल पे भी हैं, और इवन के ये हमारा लाइफ स्टाइल और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट UC लेवल पे भी बैठा हुआ है। इनके फील्ड असिस्टेंट, इनके वेटररी असिस्टेंट, डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम इनके लाइफ स्टाइल में चल रहे हैं जो जो बंदा गिन नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि ये क्या लोग, मेरे इन लोगों को जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये एक सवाल है। बस इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैं चला हुआ हूँ, और मैं आपके साथ रابطے में भी हूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद रवाबत आपसे बेहतर करूँगा, ताकि आप मुझे ये बात बता सकें कि क्या मेरे लोग, ये बेसिकली मेरे लोग नहीं है, ये आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉज हैं, जिस तरह के ये डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इसी तरह का मैं भी एक अदना सा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोविंशियल नुमाइंदा हूँ। हम सब का टास्क, हमारी सब की मंजिल वो आप हैं, आपसे मराज ये मेरी फार्मिंग कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे किसान भी हैं। शाह साहब का तो सिलसिला देख के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको इतना तरक्की दी है, और उन्होंने खुद ही कितने एक अजीम ज़र्फ के बंदे हैं, तो उन्होंने अपना स्टार्ट जहाँ से हुआ वो भी आपके साथ शेयर किया है, और आज वो अल्लाह ताला ने उनको ये इज्जत दी है, और ये अपने इलाके के अंदर, हालांकि लोगों को मैंने देखा है कि जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं तो अपनी चीज़ों को वाइंड अप करते करते बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं। मीन्स जो आजकल हमारे तरक्की याफ्ता आपके सामने दो हिस्से बज़ाहर बन रहे हैं, जिनको आप सेंट्रल पंजाब या आपका साउथ पंजाब कहते हैं, ये मेरे लिए अल्लाह की खास अनायत है, उस ज़ात का करम है और फजल है कि मेरी सारी सर्विस पिछली 20 साल उसी इलाके में रही। उसमें मेरी अपनी भी तमन्ना या मेरी भी ख्वाहिश रही कि घर के करीब ही सर्व किया जाए, सर्विस मैंने वहाँ भी ऐसे ही की है। पता नहीं ये ठीक है या कैसी है, ये आप लोग का जो रिस्पांस या जिस लोगों जो आप मेरे साथ बालहाना अंदाज से मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये यकीन जाने ये भी मैंने अपने अपने जहाँ भी मुझे 9 अजला में मैंने काम किया है, ये मेरी चूँकि ज़ात से वाबस्त है, जिस काम के लिए मैंने इस शोबे को अपनाया हुआ है, और उसकी जो मैं हर महीने कुछ मुआवजा भी लेता हूँ, तो मैं उस मुआवजे को हलाल करके खाना जानता हूँ। इस आपके अजला में पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, और मैंने ये देखा है कि इस अजला के जितना भी ये बेल्ट है, यहाँ पे जो लोगों की ख्वाहिशात क्या है,
कोई आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी तक मुझे नहीं आपने कोई डिमांड की, सिर्फ यही कहा कि हमारी बात सुनी भी जाए और हमारे लिए जो महकमा जात बने हैं ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें। वंस अगेन अपने जुमला इस डेयरी फार्म के जो शाह साहब हैं कासिम शाह साहब, पूरे अपने लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट और उनकी टीम और आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आप आज इस सेमिनार में शामिल हुए।